हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कोल्ड रूम के बारे में। आप ये देख रहे हैं, ये कोल्ड रूम है, बट ये काफ़ी बड़ा कोल्ड रूम है। मैं वेयर हाउस में हूँ आज, और ये केएफसी का वेयर हाउस है। इसके अंदर केएफसी का मटेरियल, जो फूड आइटम्स हैं, जो फ्रोज़न आइटम्स हैं, चिकन वगैरह, वो इसके अंदर हैं। ये जो हमारा वेयर हाउस का कोल्ड रूम है, यानी कि फ्रीज़र है, इसके अंदर 3 यूनिट हैं। आप देखिए, तीनों के ब्रेकर्स वगैरह अलग हैं, बाकी जो डिक्शल, जो एक लगा हुआ हमारा थर्मोस्टेट, वो एक है डिजिटल थर्मोस्टेट, वो एक है। और यूनिट हमारे इसके अंदर 3 लगे हैं। अभी हमारा टेम्परेचर आप देखिएगा -16.7 है, और इसकी सेटिंग जो है हमने 18 पे कर रखी है। तो भाई, हमारे तीनों यूनिट सही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है जो आप देख रहे हैं, आइस। ये आइस अब हमारे यूनिट से पानी लीक हो रहा है। अभी हमें चेक करना है ये ट्रे से पानी निकल रहा है या फिर ड्रेन में से पानी निकल रहा है। इस यही हमारे जो कोल्ड रूम में प्रॉब्लम हो रही है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो, कोल्ड रूम से लेकर एसी और रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई जो मशीनें यूज़ होती हैं, वो सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। तो चलो करते हैं इसको रिपेयर और चेक करते हैं। आपने देखा -17 करीब टेम्परेचर है अंदर की तरफ, तो काम करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और इसके लिए अलग से कपड़े पहनने पड़ते हैं ठंडी कोल्ड रूम में अंदर जाने के लिए, ठंड के लिए। एम पे आओ, इस बहुत मोटा है। तो भाई, जब तक ये लोग रिपेयर करते हैं ड्रेन को, ड्रेन में से लीक हो रहा हो, जो ट्रेस है और ड्रेन का जो ज्वाइंट है वहाँ से लीक हो रहा है। तो जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। ये आप देखिए, ये आपको एल्यूमिनियम पट्टी दिखाई दे रही हुई, इसके अंदर डोर हीटर है हमारा। ये आप देखिए, ये जो डोर हीटर है, ये पूरे डोर में है, मतलब चारों तरफ से है, ऊपर नीचे। नीचे की तरफ जो है ये वाला हीटर नहीं है, मैं भी आपको बताऊंगा। ये साइडों में है, राइट और लेफ्ट में और ऊपर की तरफ ये हीटर है, और नीचे की तरफ से हमने अलग से लगाया है ये हीटर। जो कंपनी वालों ने लगाया था वो मतलब डोर के अंदर लगाया था, ये नीचे नहीं लगाया था। तो ये हम लोगों ने लगाया है ये हीटर, आप देख रहे हैं। ये जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर हीटर है। तो ये हीटर थोड़ा बड़ा था, इसलिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा पाइप डाल दिया है कोने में, ताकि हीटर कट ना जाए या ख़राब वगैरह ना हो जाए किसी चीज़ से लगने से। और इसका भी कनेक्शन मैंने जो ऊपर जो हीटर लगाया है उसके साथ करा है। और जो दोनों जब चलते हैं, इनका चलने का टाइम यही है कि जब फ़ैन, जो कि हमारे एवोपरेटर फ़ैन ऑन होंगे, तब हमारा हीटर काम करेंगे। कंटिन्यू 24 आवर्स नहीं चलते हैं ये, फ़ैन ऑन होंगे तभी ये हीटर हमारे ऑन होते हैं। तो
तो नीचे फ्लोर पे जो हमारे लगाने का मकसद था कि नीचे जो है पूरी आइस आ रही थी। आइस आने से क्या है, हमारे डोर खोलने में दिक्कत हो रही थी और ज़्यादातर डोर पे हीटर क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर डोर पे हीटर नहीं लगाएंगे तो क्या है, हम डोर बार बार खोलते हैं, हवा पास होती है, मॉइस्चर इस तरह से आता है, आप देख रहे हैं मॉइस्चर, अगर इस तरह से ये मॉइस्चर इस पर जमेगा तो पूरी आइस जम जाएगी। तो आइस जमने से क्या है, फिर डोर हमारा नहीं खुलेगा, गैसकेट वगैरह पकड़ लेती है आइस, तो डोर नहीं खुलता है। तो इसलिए हीटर हमें लगाने पड़ते हैं जिससे कि डोर पर कोई प्रॉब्लम ना हो, गैसकेट वगैरह सेफ रहें। तो लीक को रिपेयर कर दिया गया है और इंसुलेशन भी हमने कर दिए है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हीट जो आप ड्रेन देख रहे हैं उसके ऊपर एक हीटर लगा हुआ है, अगर वो हीटर हम नहीं लगाएंगे तो आइस इसके अंदर जम जाएगी और पानी पास नहीं होगा। तो हीटर हमें लगाना पड़ता है, आप देख रहे होंगे वायर जो देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये हीटर लगाए इसके ऊपर और ऊपर से फिर इंसुलेशन करिए। और कुछ हमारे भाई लोग इंतज़ार में हैं और लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि भाई इसकी कंप्लीट वीडियो के लिए, वायरिंग के लिए और इंसुलेशन के लिए, तो कुछ ही दिन के बाद मैं डालने वाला हूँ। बस काम अभी स्टार्ट हो चुका है, नया प्रोजेक्ट, नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, तो कंप्लीट मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर जिससे कि आप पूरी से मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें, इंस्टॉलेशन से लेके वायरिंग तक। अगर आप लोगों के सामने कोई प्रॉब्लम आती है इसको लेके साइट पर, कोल्ड रूम वगैरह के बारे में, तो पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। तो अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिए, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, और जाते हुए बेल आइकन को प्रेस करते जाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।